यूथ युवा कांग्रेस के द्वारा पेट्रोल डीजल गैस में बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल गैस के दामों को कम कराने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। यूथ युवा कांग्रेस के द्वारा बताया गया कि इस बढ़ती हुई महंगाई में आम आदमी की कमर टूट रही है। आम आदमी पर इस बढ़ती हुई महंगाई का बहुत बुरा असर पड़ रहा है और अपने आमदनी से ज़्यादा खर्चे के बहुत से जो है आम आदमी दब रहा है। इसको लेकर यूथ युवा कांग्रेस के द्वारा चिंता जताई गई है। सरकार को बताया गया कि महंगाई को कम किया जाए जिससे आम आदमी की जेब पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। आज यूथ कांग्रेस द्वारा पूरे भारत में महंगाई के विरोध में जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार जो लोगों को सपने दिखाकर जो सत्ता में आई थी महंगाई कम करने के नाम पर, लेकिन उसके विपरीत बीजेपी सरकार के आते 117 रुपए लीटर पेट्रोल, 106 रुपए लीटर डीजल, 1000 रुपए के ऊपर एलपीजी के दामों में जो बेहतासा वृद्धि हुई है उससे आम वर्ग की कमर टूट गई है। महंगाई के विरोध में हमारा ये कहना है कि जो केंद्र सरकार 33 रुपए लीटर पेट्रोल के वादे, 50 रुपए लीटर डीजल के वादे कर सरकार बनाई थी, आज पेट्रोल की स्थिति देखिए आप, 116 रुपए लीटर तो पेट्रोल मिल रहा है, 106 रुपए के पास डीजल मिल रहा है, जिससे आम वर्ग की इतनी कमर टूट चुकी है कि ये जो बोलते हैं कि उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर, हमारे टाइम कांग्रेस के समय में 350 रुपए का जो सिलेंडर था वो आज 1000 रुपए का पड़ रहा है घर पर आकर 200।